ये मौसम भाई, ये भी कहना अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। तो मंडी का क्रेज़ हर किसी के अंदर होता है, स्पेशली कराची वालों के अंदर बहुत ज़्यादा होता है मंडी का क्रेज़। अब हम कंटिन्यूसली थोड़ा जो है वो मंडी को फोकस करा हुआ है हमने। आज हम आए हुए हैं हमारे राहत मिल कॉर्नर का, आपने नाम सुना हुआ होगा, जो कराची के सिटीज़न है उनको पता होगा कि खड्डा मार्केट के ऊपर राहत मिल कॉर्नर बड़ी फेमस जो है ना शॉप है। तो आज हम उनके डेयरी फार्म के ऊपर आए हैं। इन्होंने प्लस शौक भी रखा हुआ होता है बछड़ों का, और क्लासी बछड़े होते हैं इनके पास। भैंस कॉलोनी के अंदर हैं इस वक्त हम, और यहाँ पर मुसब चौधरी, लास्ट टाइम जिसने हमसे माफ़ी मांग रहा था मुझे माफ़ी दे दो, आज हम उसके बाड़े पर आए हैं। आज फिर इससे जो है ना वो माफ़ी मंगवाएंगे, लेकिन पहले बछड़े देखेंगे, शौक करवाएंगे आपको, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। राणा साहब देख के, दरवाज़ा छोटा है, दरवाज़ा बहुत छोटा है, आप भी देख के दरवाजा छोटा। मिलने से पहले क्यों करेंगे आप, यहाँ पर भी फुलफुले नहीं है। ये तो हमारे जो है ना वो भाई है, माशाल्लाह हमारा शौक वाला माल है। अगले साल का यार, ये साल के 24 महीने होता है, ये जुड़ा कुर्बानी का हमारा माशाल्लाह। ये आप देखें, ये गाय के बच्चे थे, ये तैयार किए सारे। हम तो समझे इंसान के बच्चे थे, गाय के बच्चे यहीं पे बाड़े में पैदा, यहीं पे जो है ना इनको फड़ा की है। ये इनके नखरे हैं, ये खानदानी नखरे इनके यार, इधर तुम्हारे खानदान के। भाई ने कोशिश करी कि मैं शायद कर लूंगा ना, पहले उन्होंने गाय के बच्चे इनको पाला है, मतलब और किसके बच्चे होते हैं। आप ये बताओ ये ब्रीड कौन सी है, ब्रीड बताओ। ब्रीड है बॉस, क्रॉस क्रॉस किस चीज़ से जाना, ये देसी और वलैती का क्रॉस होता है ना, ठीक है, इसमें से आते हैं क्रॉस ब्रीड के बछड़े, बड़ा वजन करते हैं। आप इसको खोलें और इसको चला के दिखाएं। अच्छा, हमारे साथ फिर दोबारा से हमारे राशिद भाई भी यहाँ पर आए हैं। भाई बात ये है, ये राशिद भाई और मुसब भाई यहीं पे आपको मिलेंगे, हर अलग अलग जगह पे कॉल करेंगे आपको, हर साल के 12 महीने आपको माल मिलेगा हमारा। 2025 तक का माल हमारा खड़ा हुआ है, माशाल्लाह। नंबर बताएंगे मुसब भाई आप, नंबर आपको जरा हिडन कर देना जुबान से बताएंगे, तो अल्फाबेट थोड़े ऊपर नीचे हो जाए, सही है, डिस्क्रिप्शन में डाल दें, डिस्क्रिप्शन में डाल दिएगा तो अच्छी बात है। ये बछड़े आप देखें, ये हमारे लाल सिंह छेड़ा पीछे आ रहे हैं, इनके करिएगा पहले, ये वाला बछड़ा देख लो, ये बछड़ा आप देखें पहले, जरा बछड़ा दिखा दें फिर इसकी डिटेल ले लेते हैं। इसको बोलते ही चलाना, तो फिर राशिद भाई का तो डेली का काम है ना, राशिद भाई तो फिर माशाल्लाह एक्सपीरियंस वाले हैं ना, राशिद के 12 महीने। ये हाँ भाई, आराम से आराम। हाँ जी, आ जाइए मुसब भाई, बताएं फिर क्या है हिसाब किताब है इसका। ये हमारे पास जोड़ा है, जल्दी आना लाल भाई, जोड़ा है माशाल्लाह, लाल सिंह चड्ढा भाई, पीछे से चलाना भाई, ये शौकीन हजरात के लिए जोड़ा है, और ये ठीक है, ये आप इधर से लेंगे, आपने बछड़ों का वजन देख लिया, देख लिया भाई, ठीक है ना। अब बछड़ों का वजन भी आप बताएं, दांत भी बताएं, क्या है इसका? ये दो दो दांत अभी हुए हैं माशाल्लाह, कोई एक बछड़ा है 9 मन का, एक बछड़ा है 8 मन का माशाल्लाह। जोड़े के बताएं पहले, इसके 10 लाख रुपए डिमांड, जोड़ा जोड़ा, और सिंगल सिंगल, सिंगल देना ही नहीं है, बड़े लोगों ने मांगा सिंगल, हमने दिया बेचारे, अच्छा जोड़ा ले गई है। ये इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि मुसब भाई चाहते हैं कि शौकीन बंदे आए, शौक वाले बंदों के लिए ही है, और ये 10 का मतलब ये नहीं है कि फिक्स हो गया बाटा रेट है, आओगे गुंजाइश होगी, इंशाल्लाह मोहब्बत की जाएगी, और लास्ट में आपको मुसब भाई अपना जो है ना वो एड्रेस भी बताएंगे। अभी मुसब भाई हमें और भी काफी सारे जानवर भाई, मैं अभी आपको जो है अपना लोग दिखाता हूँ, अगले साल के बच्चे बड़े खूबसूरत है, इस साल वाले पहले मुसब भाई, अगले साल वाले पे जाएंगे ना, पहले इस साल वाले देखें, अगले साल वाले पहले। हाँ जी मुसब भाई, ये मछली आप देखें, दो दांत है, चोलिस्तानी क्रॉस में माशाल्लाह। यार ये चोलिस्तानी के बारे में मुसब भाई ये बताएं, ये दूध देने के मामले में क्या इसका सीन होता है, चोलिस्तानी का दूध भी अच्छा देती है ये, लेकिन ये चोलिस्तानी जो बड़ा, अच्छा ये सारा का सारा माल वो है, जैसे आपने कैटल फार्म देखे ना जो लगते हैं मंडी के अंदर, बड़े बड़े जो लगते हैं टेंट वगैरह जिसके अंदर ये माल होते हैं, ये सारा का सारा वही वाला माल है जो हम अभी आपको दिखा रहे हैं। टेंट में टेंट लगा के, अगर कोई टेंट में मैं खड़ा कर दूं, नीचे थोड़ी मिट्टी डाल के ऊपर लाइट
लगा दूं तो ये उनमें से ज्यादा चमकेगा, ये माल वही वाला है सारा। और लास्ट टाइम मेरा ख्याल मुसब भाई ने जो है वो मंडी करी भी है, ऐसा ही है, दो साल माशाल्लाह मंडी भी कर चुके हैं। अच्छा, एक सवाल का जवाब देंगे, अगर ये टेंट में खड़ा हो तो फिर इसके रेट क्या होंगे? अगर ये टेंट में खड़ा हो तो सिर्फ इसी अकेले के मैं जो है ना वो आपको कह रहा हूँ 14 लाख रुपए। ऐसा टू बी ऑनेस्ट यही सीन होता है, मतलब यहाँ पे सस्ते मिल रहे हैं, यहाँ पर सस्ते नहीं बहुत सस्ते मिल रहे हैं, लेकिन वही बात आ गई कि जोड़ा सिर्फ वही खरीदेगा आके। इन्होंने अभी बता दिया ना स्ट्रेट फॉरवर्ड के मैं सिंगल नहीं दूंगा, काफी बंदों ने मांगा आओ जोड़ा लेके जाओ, मोहब्बत करेंगे इंशाल्लाह हमारे मुसब भाई। ऐसा ही है तो अंदर से जानवर और मंगवाए ना यार मुसब भाई। अब एक बात बताएं पहले मुसब भाई, ये जो चोलिस्तानी आपने देखा ये खीरी है, दो दांत है पूरे, उसका प्राइस तो बताएं क्या इसको? 24 लाख, 2,10,000 रुपये डिमांड है। 2,10,000 लचक है इसके अंदर, लचक हो जाएगी। और ये कौन सी ब्रीड है? ये क्रॉस ब्रीड में है। क्रॉस कौन सी वाली है? ये देसी और क्रॉस का जो होता है ना, एक हमारे पास इसकी एक नस्ल आती है गाय की, उस नस्ल का मेरे को नाम याद नहीं आ रहा यार, एक नस्ल होती है इसके अंदर वो फ्रीजियन, जितनी भी सीधी सीधी होती है ना आपकी वलैतने, ये फ्रीजन जो दूध देने के मामले में ज्यादा होती है। और ये जो है वो इसका देसी और वलायती के क्रॉस जी, ये क्रॉस ब्रीड है। इसका क्या कितने दांत है और क्या? दांतों में दो दांत है और डिमांड इसकी 2 लाख रुपए। 2 लाख है इसका, जरा आप कम्प्लीट दिखाए, खूबसूरती चेक करें माशाल्लाह से, खूबसूरती चीज देखें, ऐसी शाइनी खूबसूरत चीज है और रेट भी मुनासिब है। पुट दिखाएं, पुट का गोश्त सुना है अच्छा होता है, पुट देखें आप, और बछड़ी का गोश्त जो वैसे ही लजीज होता है। मुँह में पानी आ रहा है, लाजिम सी बात है ना, व्लॉगिंग ऐसी करते हैं ना तो उसलिए पानी भी आ जाता है। बछड़ी का गोश्त तो है ही लजीज। ये फ्रीजन क्रॉस के अंदर बोल है और दांतों के अंदर 2 है, ये काउ ब्रीडिंग के हवाले से भी बहुत अच्छा है, और अभी कुर्बानी आ गई, कुर्बानी के हिसाब से भी वजन में भी बहुत VIP है, दांतों में भी 2 हुआ है। अच्छा एक चीज़ बताएं, देखें मुसब भाई की मेहनत देखें और मतलब काम देखें कि 2 दांत माशाल्लाह से आप इसको देख रहे हैं, इसकी कद काठी देख रहे हैं, और इसकी जो है ना वो आप चेक करें कि किस हिसाब से ख्याल रखा गया। क्या खिलाया पिलाया भाई इसमें? हम ये बात नहीं बोलेंगे कि हम मक्खन बादाम का नॉर्मल वंडा होता है वो चोकर आटा पनीर का, मतलब नॉर्मल ब्रीड के ऊपर आपने मेहनत है, ये मेहनत है सारी नॉर्मल ब्रीड के ऊपर भी माशाल्लाह से आप देखेंगे। ये कितना वजन होगा इसका मुसब? इसके अंदर वजन होगा 8 मन। 8 मन माशाल्लाह माशाल्लाह। और इसकी क्या प्राइस बता रहे? इसके 3 लाख रुपए डिमांड। अच्छा अब क्या ऑनेस्ट बिल्कुल मुनासिब प्राइस बोला है इसका, मतलब मैं तो खुद से कह रहा हूँ, बाकी वो वाले तो चलो लचक आती है, इसमें 3 लाख रुपए बिल्कुल मुनासिब आज की मंडी के हिसाब से। अगर आप ये जानवर एक दफ़ा फिर दिखाएं हमारे समी भाई, ज़रा जानवर देखें आप आज की मंडी के हिसाब से, जानवर के 3 लाख रुपए बोले हमारे मुसब भाई ने दिल बड़ा कर लिया, और इसमें भी लचक है मुसब भाई, इसमें भी गुंजाइश है। ठीक है 12 महीने कंटिन्यू चलता है हमारा, साल का 12 महीने होता है। क्या क्या चीज़ें लेके चलते हैं आप साल के 12 महीने में? जैसे बछड़े हो गए, बछड़ियाँ होगी भाई, हमारे पास कट्टू का काम भी है, बछड़ों का भी काम भी है, दूध वाली गायों का काम भी है, भैंसों का काम भी है, कट्टू का भी काम है, जानवरों का जितना भी काम है ना सारा भाई 70% इसका होता है, क्योंकि मेरी शॉप पे ड्यूटी होती है, वैसे मैं थोड़ा लेट आता हूँ, बाकी सारा काम राशिद कवर करता है। मैंने स्टार्ट में ही आपको बता दिया था रात मिल कॉर्नर, तो इंशाल्लाह वहाँ भी जाना, लस्सी लाजमी पीना, अच्छी बनाते हैं माशाल्लाह से। लस्सी पे भी डिस्काउंट है? लस्सी पे डिस्काउंट नहीं है, लस्सी तो वैसे ही सस्ती है। ओए ओए ओए, ये मुसब भाई, ये भी करना, एक दफा दोनों भाई साथ करेंगे सिग्नेचर स्टेप यहाँ आके। ये जो है ना वो क्या माल वो खाया हुआ है इन्होंने, आम खाया हुआ है, वो ब्रीड पे नहीं पले हुए यार, इंजेक्शन वाली क्या था, धुल क्या, ये धुल हो रहे हैं, ये धुल नहीं है, ये माशाल्लाह करंट वाले। चलो ये वाले आप मेरे पास देखे, ये अगले साल का है, इस साल का नहीं है, अगले साल का है, खूबसूरती आप बछड़े की चेक करें माशाल्लाह। ब्रीड बताएंगे ये कौन सी है? ये देसी ब्रीड है, ये देसी है, टू क्रॉस नहीं है, चोलिस्तानी के अंदर बच्चा है माशाल्लाह, ये इतनी उम्र से छोटा है, और आप इसका वजूद देखें इंशाल्लाह अगले साल ये क्या चीज होगा। तो ये अभी किस उम्र पे पहुंचा हुआ है, मतलब ये कितने, क्या इसका सिस्टम है कि 2 दांत अब ये कितने दिन में हो जाएगा? ये या 2 दांत होएगा, साल लेगा, ये 1 साल पूरा लेगा, अभी 1 साल में फिर आप सोचें ये 2 दांत पे जब जाएगा इंशाल्लाह तो उस बुल को क्रॉस कर जाएगा जो अभी हमने प्रीवियस देखा है। तो ये चोलिस्तानी है और चोलिस्तानी अपना वजन गेन करता है माशाल्लाह से, अच्छी ब्रीड है। अगर शौकीन लोग इसको खरीदना चाहते हैं, अगर आगे खरीदना चाहें तो हमारा 12 महीने का काम है, अभी तो फिलहाल हमने इसको बेचा नहीं है, हमारा जो खीरे की थोड़ी बहुत खरीदारी हुई है थोड़ी रहती है, हम जितना भी खीरा माल है वो बकरा ईद के बाद इंशाल्लाह बेचेंगे,
बेचने वाला है, बेचने वाला जो आपको खीरा भी दिखाएंगे यार, जो और शौकीन चीजें दिखाएंगे वो भी बेचने में आती है, क्योंकि इनका काम ही साल के 12 महीने, इनका ये जो फार्म है डेयरी फार्म यहीं पर है, यहीं पर रहेगा साल के 12 महीने। और क्या चीज़ है हमारे पास? एक पांडी बछड़ी है, वो भी अगले साल की गैनियों के अंदर आती है, और बहुत खूबसूरत बछड़ी पांडी बछड़ी आ रही है मेरा भाई, खुद लेके आ रहे हैं मुसब भाई पांडी बछड़ी काबू नहीं के बारे में भाई। ये बड़ी प्यारी बछड़ी है माशाल्लाह, दिखने में भी, देखने में भी और जान के अंदर भी माशाल्लाह। इसकी मछलियाँ देख रहे हैं, हाइट इसकी यही रहेगी, हाइट इसकी यही रहेगी, वजन गेन करेगी, वजन गेन करेगी। क्या इसके प्राइस हैं और क्या इसके जो है वो अभी तो हमने प्राइस रखे नहीं है, क्योंकि अभी हम सिर्फ दो दांत से काम कर रहे हैं, वो भी लिमिटेड प्राइस वाले बछड़ों पे माशाल्लाह। जैसे आपको राशिद ने गाइड किया कि इस तरह इस तरह, ये काम हमारे 12 महीने का है, हम ये बकरे इसके बाद दोबारा इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। हमारा मेरा और राशिद का स्टेटस पे माल हमारा शो होता है। ये भी खीरी है? अच्छा, ये भी खीरी ही है, और मतलब ये इन बंदों के लिए बकरा ईद के बाद आए हैं, कि बकरा ईद से पहले अगर कोई वैसे शौकीन आ जाए तो अभी तो फिलहाल नाम नहीं रखा, जिसको पसंद आएगी उसको हमने फिर दे दी, डन हो गया। आप आते हैं ना अगर बकरा ईद से पहले भी तो मुसब भाई इंशाल्लाह लचक दिखाएंगे आपके साथ बैठ के कर लेंगे, काफी खड़ा हुआ है, जिसको चाहिए होगा मिल जाएगा, डन। खीरा माल इनके पास बहुत है, और इसी तरह की वैरायटी है, लाइक पांडी और चोलिस्तानी हो गई, प्योर देसी ब्रीड हो गई, और उसके अलावा और गुलाबी के अंदर है, नुकरा है, इस टाइप के जो है ना इनके पास माशाल्लाह से ब्रीड्स अवेलेबल हैं। आप आएँ, आप आगे अपने शौक के हिसाब से चीज़ लेके जाए। बकरों में भी मैंने सुना है मुसब भाई कुछ है आपके पास सिस्टम? बकरों में फिलहाल अभी कुर्बानी की कोई नहीं, शौक का कह रहा हूँ, बकरे इनके पास शौकीन है। हमारे पास जो हमारी दूध की अपना बकरियों की गवाल है ना, पहले तो हम कुर्बानी के लाते थे, वो बकरियों की गवाल हमने रखी हुई घर पे, उसका जो दूध है हमारी शॉप पे जाता है। माशाल्लाह। तो आवाम को भी हम और भी दिखा देते हैं, पब्लिक भी जो है ना वो चाहती है जानवर और देखना, और दिखाएं हमें मुसब भाई। तो मैं इनका बता दूं कि ये जो ब्रीड है ना, ये खूबसूरती है हवाले से भी बहुत अच्छी है, दूसरी इनका रिकॉर्ड है कि मिल्क प्रोडक्शन भी इनकी बहुत अच्छी है। इनका नाम बताएं? ये वलैतन में आती है, वलैतन आती है अपना, इनकी माया 1500-1600। अच्छा, मैंने मुसब भाई सुना है कि वलैतन 3 टाइम दूध देती है, सुबह दोपहर और शाम, ज़्यादा वो फिर वो आपकी जो आती हैं अबव 20-20 किलो वाली, जो सुबह दोपहर और 3 टाइम दूध देती हैं, तो ऐसा भी गायें हैं जो 3 टाइम दूध देती हैं। तो इंशाल्लाह इस तरह की चीज़ें हम और भी मुसब भाई से सीखेंगे, तो कंटिन्यू करते रहेंगे साल के 12 महीने मुसब भाई आपको यहीं मिलेंगे इंशाल्लाह। अभी हमें खाना खाने दो, अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।